देश के सभी धार्मिक स्थलों और प्रतिष्ठानों में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। रविवार को कैची धाम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कैची धाम और घोड़ाखाल मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर जन जन को इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। सर्वप्रथम उन्होंने कैची धाम में श्री राम शिला की साफ सफाई कर पूजा अर्चना की, फिर कैची धाम मंदिर परिसर में आयोजित श्री राम भजन कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। राम भजनों को स्तुति के दौरान राम भक्ति में लीन होते हुए दिखे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कैची धाम में नींव करौरी बाबा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि शांति एवं खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैची धाम में आए भक्तों को प्रसाद वितरण किया, साथ ही विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोगों से सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में फीडबैक भी लिया। स्वच्छता अभियान में शामिल पर्यावरण मित्रों के कार्यों की सराहना करते हुए उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूह, ग्राम प्रधानों एवं पर्यावरण मित्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे, जो कि हमारे देश के लिए एक शुभ समय और संकेत है। लंबे वर्षों के इंतजार के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जन सहभागिता में सांस्कृतिक उत्सव और समस्त धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर विशेष साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले 5 दशकों को ध्यान में रखते हुए कैची धाम का मास्टर प्लान होगा तैयार। अब कैची धाम की मान्यता वैश्विक पटल तक पहुंच गई है। हर रोज कैची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। भक्तों की आस्था भाव और आने वाले 5 दशकों में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन करते हुए सरकार कैची धाम का मास्टर प्लान तैयार कर रही है। कैची धाम मास्टर प्लान से आने वाले समय में श्रद्धालुओं को बहुत बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ेगा और सरकार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, जिलाध्यक्ष प्रताप विष्ट, विधायक नैनीताल सरिता आर्य, भीमताल राम सिंह कैड़ा, रानीखेत प्रमोद नैनवाल, मंडी बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू, पेयजल अनुश्रवण समिति अध्यक्ष दिनेश आर्य, जिला महामंत्री रंजन बरगली, नवीन भट्ट, प्रकाश हरबोला, DIG योगेंद्र सिंह रावत, जिलाधिकारी वंदना सिंह, SSP PN मीना, ADM PR चौहान, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।